हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बेसिक नॉलेज। हमने पढ़ा था द क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, आज उसका क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, इस ब्लैंक से कुछ जो दिया हुआ है वर्ड्स कुछ दिए हुए हैं, तो यहाँ से लेकर के हमें ब्लैंक फिल करने हैं। द सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड डैश। द सेम काइंड ऑफ प्लांट, एक ही तरह के प्लांट जो हैं ग्रो करना बहुत ही बड़े जगह में, तो उसको कहते हैं, बहुत बड़े इलाके में एक ही तरह के प्लांट को ग्रो करना क्रॉप कहलाता है। ठीक है, क्रॉप कहते हैं। द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज डैश ऑफ द सॉइल। तो ग्रो करने से पहले क्रॉप का प्रिपरेशन होता है सॉइल का, तो ये हो गया हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। डैमेज सीड्स वुड डैश ऑन टॉप ऑफ द वाटर। देखें आप, जिस वक्त हम अच्छा बीज जो है, सीड है, उसको सिलेक्ट करते हैं, तो उसको पानी में फ्लोट करवाते हैं, और जो फ्लोट करने लगते हैं वो वाले डैमेज सीड होते हैं, और जो अंदर डूब जाते हैं वो वाले अच्छे सीड होते हैं। तो यहाँ पे फ्लोटिंग हो जाएगा। ठीक है, फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशियंट सनलाइट एंड डैश फ्रॉम द सॉइल इज एसेंशियल। ठीक है, अच्छे क्रॉप के ग्रो के लिए सफिशियंट सनलाइट चाहिए, उसके साथ वाटर चाहिए और न्यूट्रिएंट चाहिए। ओके, आप यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर वीडियो को रोक करके आप देख सकते हैं। मैच आइटम्स इन अ कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी। देखें, फर्स्ट दिया हुआ है खरीफ क्रॉप, तो खरीफ क्रॉप क्या है, जो कि बारिश के सीजन में होता है, और नॉर्मली धान मैज वगैरह होते हैं, पैडी एंड मैज। ओके, रबी क्रॉप, रबी क्रॉप हो गया हमारा विंटर सीजन में जो क्रॉप होता है उसको रबी क्रॉप कहते हैं, और वीट, ग्राम, पी इसके एग्जाम्पल्स हैं। केमिकल फर्टिलाइजर क्या है, यूरिया एंड सल्फर फॉस्फेट, सॉरी सुपर फॉस्फेट। केमिकल फर्टिलाइजर क्या होते हैं, जहाँ पर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो कि बायो फर्टिलाइजर में नहीं होते हैं, तो हमें केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना पड़ता है, और ज़्यादा इसका इस्तेमाल जो है हानिकारक हो जाता है। और यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट जो है वो केमिकल फर्टिलाइजर हैं। अब देखेंगे ऑर्गेनिक मैनोर। ऑर्गेनिक मैनोर है एनिमल जो एक्सट्रैक्ट करते हैं उससे मिलता है, काउडंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट, ये सारे जो हैं हो गए। गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ईच। खरीफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप हो गया हमारा पैडी, मैज, रबी क्रॉप, व्हीट, ग्राम। देन आ जाएंगे हम फोर्थ नंबर के क्वेश्चन पर, राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, हमें कुछ दिया हुआ है, शॉर्ट नोट लिखना है। फर्स्ट दिया हुआ है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मतलब मिट्टी को रेडी करना, और ये फसल के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। एक क्रॉप को ग्रो करने का सबसे पहला स्टेप होता है उसका सॉइल प्रिपेयर करना। फर्स्ट टास्क इन द प्रोसेस इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। सबसे पहले तो मिट्टी को ढीला करना है, ताकि जो रूट है प्लांट का वो बहुत अंदर तक जा पाए, ठीक है, और वहाँ से न्यूट्रिएंट्स लेके आ पाए। दिस अलाउ द रूट टू पेनेट्रेट डीप इन द सॉइल। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टीलिंग और प्लोइंग। ठीक है, विच इज़ डन बाय अ प्लो। तो क्या करते हैं हम लोग, मिट्टी को ना ढीला करना और उसको हल्का करना ज़रूरी है, क्योंकि तभी जाकर रूट जो है प्लांट का वो अंदर जा पाएगा और वहाँ से वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स ला पाएगा। और इसी प्रोसेस को हम प्लोइंग कहते हैं, जो हम प्लो के थ्रू करते हैं। ठीक है, प्लोज आर मेड अप ऑफ वुड और आयरन। ओके, ये जो प्लो होते हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट से हम प्लोइंग करते हैं ना, वो इधर वुड का होता है या फिर आयरन का होता है। ओके, नाउअडेज प्लोइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइविन कल्टीवेटर। तो आजकल के ज़माने में तो प्लोइंग का जो इस्तेमाल है वो कल्टीवेटर से होता है, प्लो का इस्तेमाल नहीं होता। टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट। तो टर्निंग करने से या फिर लूजिंग करने से सॉइल के न्यूट्रिएंट्स ऊपरी हिस्से में आ जाते हैं, जिससे प्लांट को आसानी होती है उसको अब्जॉर्ब करने में। देखें, नेक्स्ट शॉर्ट नोट लिखना है हमें सोविंग के ऊपर में। सोविंग क्या होता है, बीज को बोना। ओके, सोविंग इज़ द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इन द सॉइल, है ना, सॉइल के अंदर सीड को रखना या फिर उसको बोना, उसी को ही सोविंग कहते हैं। सीड्स आर सोन इन द फील्ड आफ्टर प्लोइंग, है ना, प्लोइंग के बाद में हम सीड को सो करते हैं। अ फार्मर नीड्स टू सेपारेट डैमेज सीड फ्रॉम गुड वंस। द सीड शुड बी सोन एट प्रॉपर गैप्स एंड एट प्रॉपर डेप्थ। ठीक है, सोइंग करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि एक किसान जो है वो क्या करे, अच्छा सीड हो। इसलिए हम क्या करेंगे, पानी में पहले उसको डालकर देखेंगे, जो तैरने लगेगा वो हमारा खराब है, खराब सीड है, उसको नहीं लेना है, और जो डूब जाते हैं उसी सीड को लेकर के हमें सो करना है, और उसको प्रॉपर गैप के अंदर डालना है, प्रॉपर डिस्टेंस में रखना है, क्योंकि क्राउडेड हो जाएंगे अगर हम लोग उनको एक ही जगह पर रखें, प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन ना करें, तो फिर वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे।
ठीक है, और प्रॉपर गैप भी होना चाहिए ताकि इनमें न्यूट्रिएंट्स सफिशेंट इनको मिल पाए और सनलाइट भी। प्रॉपर गैप बिटवीन सीड्स एंड प्रॉपर डेप्थ इन द सॉइल इंसॉर्ट्स एडिक्वेट सनलाइट मॉइस्चर एयर एंड न्यूट्रिएंट्स टू द ग्रोइंग प्लांट। क्योंकि अगर हम प्रॉपर डिस्टेंस में या फिर प्रॉपर डेप्थ में डालेंगे ना, तभी जा कर के इसको प्रॉपर तरीके से मॉइस्चर मिल सकेगी, एयर मिल सकेगा, या फिर सनलाइट हुआ या फिर जितने सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और सही मात्रा में सभी को मिलेंगे। अगर हम एक जगह सबको डाल देंगे तो बाकी जगह के न्यूट्रिएंट्स तो बेकार हो जाएंगे और एक ही जगह के सबको सफिशेंट भी नहीं होगा, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं वीडिंग। वीडिंग का मतलब क्या होता है? अननेसेसरी प्लांट्स जितने सारे होते हैं ना, उसको निकाल देना फील्ड से, है ना। इन अ क्रॉप फील्ड मेनी अदर अनवांटेड प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप। क्रॉप के साथ में कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो हम इंटेंशनली नहीं रखते हैं और वो अपने आप ही ग्रो करने लगते हैं, क्योंकि हमने फील्ड में इतना सारा फर्टिलाइजर और इरिगेशन किया हुआ है, फर्टिलाइजर डाला हुआ है, तो वो ग्रो कर जाते हैं जो कि हमारे फसल के लिए हानिकारक हैं। दीज आर कॉल्ड वीड्स। वीड्स कैन बी रिमूव्ड ईदर मैनुअली बाय अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ खुरपी और बाय यूजिंग वीडिसाइड्स। ठीक है, और ये जो वीड है इसको हम लोग ना रिमूव कर सकते हैं वीडिसाइड का इस्तेमाल करके, और ये बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं हमारे फसल के लिए, इस वजह से हम उसको खुरपी के साथ में निकाल सकते हैं या फिर इसको अपरूटिंग करके उखाड़ कर फेंक सकते हैं। क्योंकि ये अगर फील्ड में होगा तो फिर ये हमारे जो भी फसल हम लगाए हैं उसका खाना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इसमें और फिर वो सही तरह से ग्रो नहीं कर पाएगा, इस वजह से इसका रिमूवल जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर देखेंगे थ्रेसिंग क्या है। थ्रेसिंग क्या होता है कि जो हार्वेस्टेड पार्ट हमने निकाला है और उसका जो हिस्सा हम नहीं खाते हैं उसको निकाल देना, उसको थ्रेसिंग कहते हैं। व्हेन द क्रॉप मैच्योर दे आर कट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब क्रॉप मैच्योर हो जाता है ना, हम उसको कट करके लेके आ जाते हैं, इसी को हार्वेस्टिंग कहते हैं। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द चैफ। चैफ ही होता है, इसी को कहते हैं थ्रेसिंग। थ्रेसिंग प्रोसेस से हम उसका चैफ अलग करते हैं, उसका छिलका। फॉर एग्जाम्पल हमने राइस उगा कर लेके आए हैं तो उसका जो छिलका निकालते हैं अनवांटेड पार्ट, ठीक है, गाय वगैरह को दे देते हैं उसको नॉर्मली चैफ, उसको निकाला जाता है। ठीक है, उसी को ही थ्रेशिंग कहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ ए मशीन कॉल्ड कॉम्बाइन। एक मशीन है कॉम्बाइन, विच इज़ इन फैक्ट अ हार्वेस्टर एज वेल एज अ थ्रेशर। ये दो काम करता है कम्बाइनली, इस वजह से इसका नाम कॉम्बाइन है। एक तो हार्वेस्टर की तरह काम करता है, फसल को काटने में हेल्प करता है, दूसरा थ्रेसर है, इससे क्या करता है जितना सारा चैफ है उसको अलग करने में मदद करता है। फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चैफ बाय विनोइंग मशीन। तो फार्मर्स जो है ना विनोइंग मशीन से ही चैफ को अलग करते हैं। तो इतना सारा हमने पढ़ा शॉर्ट नोट्स, तो आप इसको लिख सकते हैं, मतलब आई होप आपको समझ में आ रहा है मैंने जो कहा। एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर एंड डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैनर। अच्छा, अब देखेंगे हम फर्टिलाइजर और मैनर में डिफरेंस क्या है। फर्टिलाइजर क्या होता है? जो हम केमिकली जो हम उसको लैब में बनाते हैं यहाँ नहीं बनता है, ठीक है, हम उसको फैक्ट्रीज़ में बनाते हैं, फील्ड में नहीं बन पाता। फर्टिलाइजर्स आर मैन मेड इनऑर्गेनिक सोर्स। ये इनऑर्गेनिक सोर्स है जो ह्यूमन बनाता है। मैन्योर क्या है? मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेंड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यूज। तो मैन्योर जो है वो नेचुरली बन सकता है, कैसे ना, कैटल डंग से और गोबर वगैरह जो है उससे और प्लांट रेसिड्यू जितने होंगे उससे हमारा बन जाता है क्या ना, मैन्योर बन जाता है। और फर्टिलाइजर्स आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज़। और फर्टिलाइजर्स जो हैं वो फैक्ट्रीज़ में बनते हैं। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड, लेकिन मैन्योर जो है उसको हम फील्ड में भी रेडी कर सकते हैं। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फरस, पोटेशियम। फर्टिलाइजर जो है प्लांट न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा उसमें होते हैं, नाइट्रोजन हुआ, फॉस्फरस हुआ, पोटेशियम, इसी वजह से ही हम लोग क्या करते हैं फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, क्योंकि मैन्योर में ये सब सफिशियंट नहीं होते, इसी वजह से ही हम केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। ओके, देन फर्टिलाइजर्स कैन बी हार्मफुल इफ़ यूज्ड एक्सेसिवली। अगर ज़्यादातर हमने केमिकल फर्टिलाइजर का यूज किया है तो ये हमारे फील्ड के लिए हार्मफुल भी हो सकता है, लेकिन मैनर डोंट हार्म सॉइल और क्रॉप। मैनर जो हैं वो हार्म नहीं पहुंचाते सॉइल को या फिर क्रॉप को। अब देखेंगे फर्टिलाइजर्स डू नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइजर्स ना को किसी भी तरह का ह्यूमस सॉइल को प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन मैनर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू सॉइल। मैनर जो हैं वो बहुत ज़्यादा ह्यूमस देते हैं सॉइल को। अब देखेंगे हम व्हाट इज़ इरिगेशन। डिस्क्राइब टू मेथड ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर।
देखें जो इरिगेशन क्या होता है और पानी की बचाव के लिए जो दो मेथड का इस्तेमाल किया जाता है सिंचाई के लिए, उसे बताने के लिए बताया गया है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। एक रेगुलर इंटरवल में फील्ड को पानी की सिंचाई करवाना, इसी को ही इरिगेशन कहा जाता है। व्हेन क्रॉप्स आर इरिगेटेड, न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व इन वाटर गेट ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। जब हम इरिगेशन करते हैं ना, तो सारे न्यूट्रिएंट्स ना पानी में घुलते हैं और घुल जाने के बाद ये रूट्स के थ्रू अब्जॉर्ब होकर प्लांट के सारे पार्ट में पहुंच जाते हैं। और जो दो मेथड हैं जिससे पानी को कंजर्व किया जा सकता है, वो है स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम। तो पहला डिस्कस कर लेंगे स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है। इन दिस मेथड द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल स्टॉप आर जॉइंड टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल्स। तो यहाँ पर ना एक परपेंडिकुलर एक लंबा सा पाइप होता है सीधा, और वो फिर उसके ऊपर रोटेटिंग नोजल होता है और वो मेन पाइपलाइन से जो है कनेक्टेड होता है। व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप अंडर प्रेशर विद द टॉप ऑफ द पंप, इट एस्केप्स फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल्स। जब हम लोग प्रेशर लगा के मेन पाइप से पानी छोड़ते हैं ना, तो उसका ऊपर का नोजल है वो घूमने लगता है और फिर पानी बारिश की तरह गिरती है। ठीक है, इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप एज इट इज रेनिंग। ऐसा लगता है जैसे बारिश हो रही है, और इससे पानी बहुत ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता है। तो ये पानी को कंजर्व करने का ही दो तरीका है, एक है स्प्रिंकलर सिस्टम, दूसरा है ड्रिप सिस्टम। अब देखेंगे ड्रिप सिस्टम क्या होता है। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट अ पोजीशन ऑफ द रूट। ये वाला ना बेस्ट मेथड होता है, जैसे कि हम वेजिटेबल में दें, या फिर वेजिटेबल का प्लांट हो या फिर फ्लावर प्लांट हो, ये सब जो है डायरेक्टली जा कर के ये रूट के पास ही गिरता है ड्रिप होकर के। इट इज़ द बेस्ट मेथड फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट गार्डन्स एंड ट्रीज। इसमें ज़्यादा पानी नुकसान नहीं होता क्योंकि हम पानी को जड़ में ही डालते हैं। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल, बिल्कुल भी पानी जो है वेस्ट नहीं होता है। इट इज़ अ बॉर्न इन रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पॉर। जहाँ पर जो इलाके में इंडिया हो या फिर कहीं भी जिस इलाके में पानी की कमी होती है, वहीं हम इस मेथड का यूज करते हैं ताकि पानी नुकसान ना हो ज़्यादा। देन सेवेंथ क्वेश्चन इज इट इफ वीट इज सोन इन द खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन। सॉरी मिस्टेक हो गया, इफ होगा, ठीक है। इफ वीट इज सोन इन द खरीफ सीजन देन व्हाट वुड हैपन। अगर वीट को हम खरीफ सीजन में सो करें तो फिर क्या प्रॉब्लम होगी बताएं। व्हीट इज अ रबी क्रॉप। पहला रीजन ये है कि व्हीट जो है वो रबी क्रॉप है, उसको हेंस इट रिक्वायर्स कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन टू बी ग्रोन प्रॉपरली। उसको एक कोल्ड कंडीशन चाहिए ग्रो करने के लिए। इफ़ इट इज़ सोन इन खरीफ सीजन इट विल नॉट ग्रो और मे गेट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द एक्सेसिव रेन्स इन द खरीफ सीजन। क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है, इसीलिए अगर हम इसको क्या करेंगे खरीफ सीजन में सो करेंगे, तो खरीफ सीजन में बहुत ज़्यादा बारिश होती है और बारिश से क्या होगा, ये फसल ख़राब हो जाएगी। इसलिए हम इसको रबी सीजन में सो करेंगे ताकि इसे थोड़ा कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन मिल जाए विंटर का, और ये फिर बारिश से बचा रहे तो ये फिर ग्रो करेगा अच्छी तरह। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सप्लेन हाउ सॉइल अफेक्टेड बाय कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इन अ फील्ड। अगर बार बार एक ही फील्ड में जो है क्रॉप किया जाए तो फील्ड को क्या नुकसान है बताएं। आंसर इज सॉइल सप्लाई न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप। सॉइल जो है वो क्रॉप को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, रूट के थ्रू जो है सॉइल जो प्लांट है वो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स वाटर के साथ में लेता है। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, और प्लांट के ग्रोथ के लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। कंटिन्यूस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स इन द सेम फील्ड मेक्स द सॉइल पोअर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। बार बार फसल करने से एक फील्ड में जो है सारे न्यूट्रिएंट्स में कमी होने लगती है धीरे धीरे। दिस मेक्स द सॉइल इम्फर्टाइल, एंड देन टू रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स फार्मर्स नीड टू ऐड मैनर्स टू द सॉइल। और फिर तब हमें क्या करना पड़ता है, मैनर का या फिर केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना पड़ता है अपने फील्ड में, ताकि हम उसके न्यूट्रिएंट्स की कमी को दूर कर सकें। और इसी यही वजह है कि बार बार कल्टिवेशन से या फिर क्रॉप प्रोडक्शन से हमारा जो फसल है वो ख़राब होने की आशंका है, क्योंकि इसके न्यूट्रिएंट्स जो घटने लगते हैं धीरे धीरे। वट आर वीड्स, हाउ कैन वी कंट्रोल देम। क्वेश्चन है वीड क्या होते हैं और कैसे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आंसर देखें, मैंने बताया अभी वीड क्या होता है, अननेसेसरी प्लांट जो कि हमारे क्रॉप के साथ ग्रो करने लगते हैं उसी को ही हम वीड कहते हैं। और ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये हमारे जो डिज़ायरेबल क्रॉप हैं उनका खाना
ले लेगा, जैसे कि उसका सनलाइट हुआ या फिर उसका न्यूट्रंस हुआ, वाटर हुआ, ये सभी को इसके साथ अगर ये बांट लेगा तो उसको सफिशियंट फूड नहीं मिलेगा, फिर न्यूट्रंस नहीं मिलेंगे तो वो फिर प्लांट ग्रो नहीं करेगा। द अनवांटेड प्लांट इन द फील्ड आर कॉल्ड वीड्स व्हिच हैव टू बी रिमूव्ड, इसको निकाल देना चाहिए। अदरवाइज आवर ओन क्रब प्लांट्स मे नॉट गेट सफिशियंट वाटर, न्यूट्रंस, स्पेस एंड लाइट, ठीक है। नहीं तो हम जो प्लांट चाहते हैं उसको सफिशियंट वाटर, न्यूट्रंस, स्पेस, लाइट नहीं मिलेंगे। वीड्स आर रिमूव्ड बाय मैनुअल मेथड और बाय यूजिंग वीडिसाइड। तो वीड्स को हम वीडिसाइड का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं, मैनुअल मेथड से अपरूटिंग करके भी निकाल सकते हैं। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड बाय अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड, दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी। खुरपी के थ्रू हम इसको काट के अलग कर सकते हैं या फिर ऐसे अपरूट करके फेंक सकते हैं। वी कैन रिमूव वीड्स बाय यूजिंग वीडिसाइड, इट ओनली डैमेज वीड्स एंड डू नॉट हार्म क्रॉप्स। यस, हम लोग ना वीडिसाइड का इस्तेमाल करके भी वीड को ख़त्म कर सकते हैं। और ये बात याद रखने की ज़रूरत है कि वीडिसाइड जो है ना सिर्फ वीड को हार्म पहुंचाता है, क्रॉप को नहीं, ठीक है। इस वजह से वीडिसाइड का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेस इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ फ्लो चार्ट ऑफ सुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन। दिया है सुगर केन का क्रॉप प्रोडक्शन हमें कैसा करना है। पहले दिया है सेंडिंग क्रॉप टू द फैक्ट्री, तो शुरू में ही फैक्ट्री को भेज देंगे क्या? नहीं, हमें अरेंज करना है कौन सा पहले होगा। इरीगेशन दिया है, हार्वेस्टिंग, सोविंग, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्लॉइंग द फील्ड, मैनरिंग, हम इसको अरेंज करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल ज़रूरी है, क्योंकि सॉइल को प्रिपेयर करेंगे तभी जाकर उसमें सोइंग होती है, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हो गया, फिर प्लोइंग द फील्ड, फिर उसको अच्छी तरह से प्लो करेंगे ताकि मिट्टी हल्का हो जाए और उससे रूट जो है अंदर तक जा पाए। फिर उसमें सोइंग करेंगे, और सोइंग करने के लिए अच्छा हम सीड को चॉइस कर लेंगे, फिर उसमें क्या करेंगे, सोइंग करेंगे। सोइंग होने के बाद में हम उसको क्या करते हैं, मैनरिंग करते हैं। सोइंग के बाद उसमें हम लोग फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, फिर मैनरिंग के बाद हम इरिगेशन करते हैं, उसमें सिंचाई करते हैं। सिंचाई के बाद फिर फसल जब बड़े हो जाते हैं तो फिर उसको मैच्योर होने के बाद उसको हार्वेस्ट करते हैं, उसको काटते हैं, और हार्वेस्ट होने के बाद उसका प्रोसेस ख़त्म होने के बाद हम उसको सेंड करते हैं शुगर फैक्ट्री को, ठीक है। ये प्रोसेस है, आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको रोक करके देख लें थोड़ा। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड पजल विद द हेल्प ऑफ क्लू गिवन बिलो। देखिए दिया गया है प्रोवाइडिंग वाटर टू क्रॉप्स, एक नंबर में दिया गया है वाटर प्रोवाइड करना क्रॉप को क्या कहलाता है, इरिगेशन। क्या कहलाता है, इरिगेशन, यहाँ देख लें आप, इरिगेशन कहलाता है, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इरिगेशन। सेकेंड क्वेश्चन है कीपिंग क्रॉप ग्रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम अंडर प्रॉपर कंडीशन, ठीक है। एक प्रॉपर कंडीशन में क्रॉप ग्रेन को रखना संभाल करके, इसको हम क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर टू देखें, क्वेश्चन नंबर टू है स्टोरेज, संरक्षण, स्टोरेज, ठीक है। देन थर्ड है सर्टन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल, एक ही तरह के प्लांट को हम लार्ज स्केल में जब लगाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं। यह है फिफ्थ, फिफ्थ हमारा हो जाएगा क्या, देखें आप, क्रॉप कहते हैं, सीधे में देखें क्रॉप कहते हैं। अब अक्रॉस देखेंगे, अ मशीन यूज्ड फॉर कटिंग मैच्योर्ड क्रॉप्स, मैच्योर्ड क्रॉप्स को काटने में हम जिस मशीन का यूज करते हैं उसका नाम है हार्वेस्टर। क्या है उसका नाम, हार्वेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रबी क्रॉप दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पल्सेस, ए रबी क्रॉप जो एक पल्स भी है उसका नाम क्या है, आप बताएं, ग्राम, फोर नंबर में है ग्राम। देन फिफ्थ नंबर इज ए प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम चैप, चैप ग्रेन में से चैप को यानी उसके छिलके को अलग करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो ये सिक्स नंबर है, इसको हम विनोइंग कहते हैं, उड़ाना। तो यहाँ हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल है, तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।